मॉडल बहू जसलीन एक खूबसूरत मॉडल है। उसकी सुंदरता का चर्चा इस कदर है कि वो जहाँ जाती है उसकी तारीफ उससे पहले वहाँ पहुँच जाती है। जसलीन 4 साल से गौरव के साथ रिलेशनशिप में है। गौरव एक बिजनेसमैन है और जसलीन से शादी करना चाहता है। एक दिन गौरव ने जसलीन को मिलने बुलाया। जसलीन, तुम तो इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हारे पास मुझे मिलने का भी टाइम नहीं होता। आपको पता है ना गौरव, मैं शूट में बिजी रहती हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। वैसे आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी ना? जसलीन, मेरे घर वाले मुझसे 2 साल से शादी के लिए बोल रहे हैं और मैं उन्हें बार बार टाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें और मना नहीं कर सकता। तुम जसलीन गौरव की बात काटते हुए कहती है। क्या गौरव, आपने फिर से शादी का राग आलापना शुरू कर दिया। हमारी इस बारे में पहले बात हो चुकी है ना? मेरा करियर पीक पर है, मुझे बहुत सारी कंपनी के मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मैं शादी करके किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जसलीन, किसने कहा कि शादी के बाद करियर बर्बाद हो जाता है? मैं तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा वो करूंगा, बस तुम शादी के लिए यहाँ कर दो। मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो। मेरी माँ ने लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज जसलीन, शादी के लिए हाँ कर दो। गौरव के बार बार समझाने पर जसलीन ने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन जसलीन की सास सुमित्रा देवी ने अपने बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों की शादी की सभी रस्में अच्छी तरह से निपट गई और तुम दोनों अपने अपने कामों में दोबारा व्यस्त हो गए, लेकिन मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, इसलिए तुम दोनों मुझे एक पोता दे दो ताकि मेरा भी दिल लगा रहे। अपनी सास के मुंह से बच्चे की बात सुनकर जसलीन गुस्से से तमतमा उठी और बोली, माँ जी कैसी बात कर रही हो, बच्चा अभी से, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्या हुआ जसलीन, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? माँ ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? देखो गौरव, तुम्हारे कहने से मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन बच्चों की झंझट में मैं नहीं पड़ने वाली। मैं एक मॉडल हूँ, बच्चों के चक्कर में आकर अपना फिगर खराब नहीं करना है मुझे। ये कहकर जसलीन गुस्से से वहां से चली गई। बेटा तू ही समझा अपनी पत्नी को, आज नहीं तो कल तो बच्चा करना ही है ना। तुम दोनों की उम्र बढ़ती जा रही है और अधिक समय हो गया तो बच्चे होने में भी बहुत दिक्कत होगी, समझ रहा है ना बेटा मेरी बात? हम आप चिंता मत करो, वो आपने अचानक उससे बच्चे की बात की ना, इसलिए उसे गुस्सा आ गया, मैं उसे समझाऊंगा। आपकी बहू बहुत समझदार है, आप चिंता ना करो। गौरव ने माँ को तो समझा दिया, लेकिन खुद चिंता करने लगा कि जसलीन को कैसे समझाएगा। वो शादी के लिए इतनी मुश्किल से मानी थी, अब बच्चे के लिए। एक दिन मौका पाकर गौरव ने फिर से जसलीन से बात करने की कोशिश की। जसलीन, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है ना? अगर मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू माय लव, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता दूंगी। वैसे सब कुछ ना बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा तो अब ये बताओ, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अरे बच्चे के बारे में, और किस बारे में? गौरव, आप दोबारा वही बात क्यों कर रहे हो? मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन जसलीन, आज नहीं तो कल हमें बच्चा करना ही है ना, जितना लेट करेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी। गौरव, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी मुझे बहुत काम मिल रहा है, बच्चा होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाएगा और फिगर खराब होने का मतलब है करियर खराब। बच्चा होने के बाद तुम दोबारा मॉडलिंग शुरू कर देना, और वैसे भी अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूंगा। बच्चा होने के बाद कौन मुझे काम देगा? एक मॉडल के लिए उसकी शारीरिक खूबसूरती कितनी अहम है, ये बात आप जानते हो ना, फिर भी ये सब बोल रहे हो। और मुझे पता है आप मेरी सारी डिमांड पूरी कर सकते हो, लेकिन मॉडलिंग करना मेरा शौक है, मेरा सपना है। लेकिन जसलीन। लेकिन विकिन कुछ नहीं, आपने शादी के लिए मुझे फोर्स किया तो मैंने शादी कर ली, अब बच्चे के लिए फोर्स कर रहे हो, लेकिन मैं बच्चे के लिए अपना करियर खराब नहीं करना चाहती। प्लीज इस बारे में आप आगे कोई बात नहीं करेंगे, और अपनी माँ से भी बोल दे कि वो मुझसे इस बारे में कोई बात ना करे।
जसलीन ने गौरव और अपनी सास की कोई बात नहीं मानी। वो अपना मॉडलिंग करियर बनाने में लग गई और गौरव अपना बिजनेस बढ़ाने में। सुमित्रा अपना अकेलापन दूर करने के लिए समाज सेवा करने लगी। उसने अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाया और अपना सारा समय उन अनाथ बेसहारा बच्चों के साथ बिताने लगी। इसी तरह कई साल बीत गए। अब जसलीन एक सुपर मॉडल बन चुकी थी। जसलीन, अब तो तुम खुश हो ना? तुमने बचपन से जो सपना देखा वो पूरा कर लिया। अब तुम एक कामयाब मॉडल बन चुकी हो। अब तुम्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल चुकी है। हाँ गौरव, और इस कामयाबी में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। गौरव, मैं सोच रही हूँ कि अब हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। जसलीन की बात सुनकर गौरव हैरान होकर बोला, चलो देर आए दुरुस्त आए। इस तरह कई साल और बीत गए लेकिन उन्हें बच्चा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। डॉक्टर, वैद, हकीमों को दिखाने के बाद भी जसलीन की गोद खाली ही रह गई। उसे इस बात का एहसास हो गया कि जो भी हुआ है वो उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। जसलीन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने अपनी सास और पति से माफी मांगते हुए कहा, माँ जी, गौरव, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने मॉडलिंग करियर को लेकर इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। आप दोनों ने मुझे कितना समझाया लेकिन मैंने आपकी बात समझने की कोशिश नहीं की। अरे अब रोने से क्या फायदा बहू, पहले तो तुमने हमारी बात नहीं मानी और अब जब तुम्हें अकल आई तो बहुत देर हो चुकी है। जो अपने घर के बड़ों की बात नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है, अब पछताने से क्या होगा। चुप हो जाओ माँ, वो बेचारी पहले ही इतना परेशान है, ऊपर से आप उसे ताने सुना रही हो। अब माफ कर दो उसे। इसे माफ कर दूं? इसकी वजह से हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और तू इसे माफ करने की बात कर रहा है? कितना मनहूस दिन था जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी। बस करो माँ, जसलीन से नादानी से गलती हो गई है लेकिन इसने कभी ऐसा नहीं चाहता कि हम हमेशा बेऔलाद रहे, और सबको अपना करियर बनाने का हक होता है माँ। गौरव की बात सुनकर जसलीन रोने लगी। गौरव मुझे माफ कर दो, जिंदगी के सफर में तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकी। हमेशा अपने करियर को ही अहमियत दी। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। जसलीन को इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि उसने अपनी सास और पति की बात नहीं मानी। अब जसलीन उसी अनाथ आश्रम के अंदर जा रही है जो उसकी सास सुमित्रा देवी ने बनवाया है। गौरव बाहर खड़ा होकर उसे अंदर जाता हुआ देख रहा है। जसलीन के हाथ में कुछ पैकेट है जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, किताबें और खाने की चीजें हैं। जसलीन की आंखों में पश्चाताप के आंसू के साथ गहरी खामोशी है।